अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे ये आपकी जिंदगी का आखिरी दिन हो, फिर देखना आपका सारा आलस, सारा घमंड, सारा डर अपने आप खत्म हो जाएगा और आप बस वो डिसीजन लोगे जिससे आने वाली दुनिया आपको हमेशा याद रखेगी। आपका समय सीमित है, इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत करो। बेकार की सोच में मत फंसो। अपनी जिंदगी को दूसरों के अनुसार मत चलाओ। अपने अंतर मन की आवाज सुनो। आपकी हैसियत क्या होनी चाहिए ये आप तय करेंगे, कोई दूसरा नहीं। मैं बहुत जल्द मर जाऊंगा, अगर आप इस बात को हमेशा याद रखते हैं तो आप अपनी जिंदगी में बड़े से बड़ा डिसीजन बड़ी आसानी से ले सकते हैं। कब्रिस्तान में सबसे अमीर आदमी होना मेरे लिए मायने नहीं रखता। रात में सोते जाते वक्त कहना आज हमने कुछ शानदार किया है, ये मेरे लिए मायने रखता है। महान काम करने का केवल एक ही तरीका है, वो करो जिसे तुम करना पसंद करते हो। अगर तुम्हें अभी तक वो नहीं मिला है तो खोजते रहो, समझौता मत करो। कभी कभी जिंदगी आपके सर पर ईंट से वार करेगी, अपना विश्वास मत खोइए। बीते हुए दिन के बारे में चिंता करने की बजाय चलो कल को खोजने के लिए चलते हैं। स्मार्ट लोग जिनको हम यह बताएं कि उनको क्या करना है, ऐसे लोगों को किराए पर रखने का कोई मतलब नहीं है। हम उन लोगों को किराए पर रखते हैं जो हमें बताएं कि क्या करना है। दूसरों के विचारों के शोर में अपनी अंतरात्मा की आवाज को ना दबने दें। सफलता की खुशी मनाना अच्छा है, उससे जरूरी है अपनी असफलताओं से सीख लेना। जिद ही वह चीज है जिससे मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं, जो एक सफल उद्यमी को असफल उद्यमी से अलग करती है। जो लोग यह सोचकर पागल होते हैं कि वो दुनिया को बदल सकते हैं, तो वे लोग वो होते हैं जो यह कर सकते हैं। आप कस्टमर से ये नहीं पूछ सकते कि वो क्या चाहते हैं और फिर उन्हें वो बना के दें। आप जब तक उसे बनाएंगे तब तक वो कुछ नया चाहने लगेंगे। शायद मौत ही जिंदगी का सबसे बड़ा आविष्कार है। ये मेरे मंत्रों में से एक है कि ध्यान केंद्रित करो और सरल रहो। सरल भी जटिल से ज्यादा दृढ़ हो सकता है। यदि आप वास्तव में बहुत बारीकी से देखोगे तो आप पाओगे कि रातों रात मिलने वाली अधिकतम सफलताओं में बहुत लंबा वक्त लगा है। महान लोग और बढ़िया प्रोडक्ट्स कभी नहीं मरते। आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ पीछे छोड़ना होगा। आप बिंदुओं को आगे देखते हुए नहीं मिला सकते, उन्हें केवल पीछे देखकर ही मिलाया जा सकता है। इसलिए आपको यह विश्वास करना पड़ेगा कि किसी ना किसी तरह आपके जीवन बिंदु भी भविष्य में जरूर मिलेंगे। बेवकूफ बनकर खुश रहिए और इसकी पूरी उम्मीद है कि आप अंत में सफलता प्राप्त करेंगे। जब आप समुद्री डाकू बन सकते हैं तो फिर नौसेना में जाने की क्या जरूरत है। नई खोज एक लीडर और एक अनुयायी के बीच अंतर करती है। मेरा काम लोगों के साथ नरमी बरतना नहीं है, मेरा काम है उन्हें और अच्छा बनाना। मैं सुकरात के साथ एक दोपहर बिताने के लिए अपनी सारी तकनीक दे दूंगा। हमारा उद्देश्य यह है कि हम इस दुनिया में सबसे अच्छे डिवाइस बनाएं, ना कि सबसे बड़े। संसार आपको तभी पहचान सकेगा जब आप संसार को अपनी क्षमताओं से परिचित कराएंगे। आज हम नए हैं, लेकिन कुछ दिन बीत जाने पर हम भी पुराने हो जाएंगे और ये पूर्ण सत्य है। स्मार्ट लोगों की एक बात है, वे बहरे लोगों को पागल लगते हैं। यह निश्चय करना कि आपको क्या नहीं करना है उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि यह निश्चय करना कि आपको क्या करना है। महत्वपूर्ण होने के लिए चीजों का दुनिया बदलना जरूरी नहीं है। ज्ञान के लिए हमेशा भूखे रहो और मूर्ख बने रहो।
बिजनेस में महान चीजें कभी किसी एक आदमी द्वारा नहीं की जाती, वे लोगों की एक टीम के द्वारा की जाती हैं। किसी चीज को गलत करने का मतलब यह नहीं है कि आप असफल हो गए हैं। आओ आने वाले कल में कुछ नया करते हैं, बगैर इसकी चिंता करें कि कल क्या हुआ था। जब आपको चमत्कार की आवश्यकता हो तो खुद चमत्कार बनो। इस बात को याद करना कि एक दिन मरना है, किसी चीज के खोने के डर को दूर करने का यह सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप उड़ना चाहते हैं तो आप उड़ सकते हैं, बस अपने आप पर अधिक से अधिक भरोसा रखिए। डिजाइन सिर्फ यह नहीं है कि चीज कैसी दिखती या महसूस होती है, डिजाइन यह है कि चीज काम कैसे करती है। क्रिएटिविटी बस चीजों को जोड़ना है। मैं नकल कर उत्पाद बनाने की बजाय अपने दृष्टिकोण के उत्पाद पर दांव लगाना ज्यादा पसंद करूंगा। गुणवत्ता प्रचुरता से अधिक महत्वपूर्ण है। एक छक्का दो दो रन बनाने से कहीं बेहतर है। यदि मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया पर असफल हो गया तब भी अच्छा है, मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तो किया। आपका कार्य जिंदगी के एक बड़े भाग को संतुष्ट करना है, और संतुष्टि प्राप्त करने के लिए वो करें जिसमें आप विश्वास करते हैं। कोई समस्या आने पर पुराने लोग कहते हैं यह क्या है, जबकि नौजवान कहते हैं हम इसके साथ क्या कर सकते हैं। मैं उच्च शिक्षा के मूल्य को खारिज नहीं कर रहा हूं, मैं बस यही कहना चाहता हूं कि सृजनात्मकता अनुभव की कीमत पर आती है। आप पहले से ही निर्वस्त्र हैं और कुछ खोने के लिए है ही नहीं, इसलिए ऐसी कोई भी वजह नहीं है कि आप अपने दिल की नहीं सुने। दिलचस्प विचारों और नई प्रौद्योगिकी को कंपनी में परिवर्तित करना, जो सालों तक नई खोज करती रहे, ये सब करने के लिए बहुत अनुशासन की आवश्यकता होती है। कभी कभी आप इनोवेट करते हैं तो आपसे गलतियां हो जाती हैं। यह सबसे अच्छा है कि आप उन्हें जल्द स्वीकार कर लें और अपने अन्य इनोवेशन को सुधारने में लग जाएं। मैं अपने जीवन को एक पेशा नहीं मानता, मैं कर्म में विश्वास रखता हूं, मैं परिस्थितियों से शिक्षा लेता हूं। यह पेशा या नौकरी नहीं है, यह तो जीवन का सार है। यदि आपकी नजर लाभ पर रहेगी तो आपका ध्यान उत्पाद की गुणवत्ता से हट जाएगा, लेकिन यदि आप एक अच्छा उत्पाद बनाने पर ध्यान लगाओगे तो लाभ अपने आप आपका अनुसरण करेगा। आपको एक आइडिया या एक प्रॉब्लम या कुछ गलत जिसे आप सही करना चाहते हैं को लेकर एक्साइटेड होना होगा। अगर आप शुरुआत से ही इसे लेकर जुनूनी नहीं हैं, तो आप कभी भी उस पर टिके नहीं रह पाएंगे। आपको अपनी सोच को साफ और सरल बनाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। मेहनत से मिली ऐसी सोच परिणाम के लिए बड़ा मूल्य रखती है, क्योंकि इसे पाकर आप पर्वत को भी हिला सकते हैं। मुझे लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हमारे ग्राहकों को वास्तव में हमारे उत्पाद पसंद हैं, लेकिन हमें हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते रहना है। सफलता से मिला भारीपन वापस नया आरंभकर्ता बनकर हल्केपन से बदला जा सकता है। यह मुझे जिंदगी के सबसे रचनात्मक भाग में प्रवेश करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान करता है। किसी विशेष समुदाय को ध्यान में रखकर उत्पादों का डिजाइन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं जब तक आप उन्हें दिखाए नहीं। लोग सोचते हैं कि फोकस का मतलब है उन चीजों को हाँ कहना जिन पर आपको फोकस करना है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है वहां मौजूद 100 दूसरे आइडियाज को ना कहना। कई कंपनियों ने छटनी करने का फैसला किया है, शायद उनके लिए ये सही होगा, लेकिन हमने अलग रास्ता चुना है। हमारा विश्वास है कि अगर हम कस्टमर के सामने अच्छे प्रोडक्ट्स रखते रहेंगे तो वो अपना पर्स खोलते रहेंगे। मैं सोचता हूं कि यदि आप कुछ कर रहे हैं और वो अच्छा हो जाता है तो आपको इस कार्य पर अधिक विचार करने की बजाय कुछ और आश्चर्यजनक करना चाहिए। अगले कार्य के लिए विचार कीजिए।
कोई भी मरना नहीं चाहता है। वे लोग जो स्वर्ग जाने की इच्छा रखते हैं वो भी नहीं मरना चाहते हैं, लेकिन मौत से कभी कोई बच नहीं सका है। मृत्यु जिंदगी का श्रेष्ठ आविष्कार है। ये जीवन को परिवर्तित करने का माध्यम है जो पुराने को मिटाकर नए की राह दिखाता है। आपको कुछ चीजों जैसे दृढ़ निश्चय, भाग्य, जीवन, कर्म आदि पर विश्वास करना ही पड़ेगा। यही दृष्टिकोण मुझे कभी निराश नहीं होने देता और मेरी जिंदगी में सारे बदलाव इसी से आए हैं। आपके द्वारा चयनित कार्य में ऐसा कुछ होना जरूरी है जिसके लिए आप में जुनून सवार हो, अन्यथा आप में उसे लगन से करने की दृढ़ता नहीं रहेगी। हमें जिंदगी में बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, फिर भी हमने किसी कार्य को करने का मन बनाया है तो हमें उस कार्य को महान बनाना चाहिए। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे ये आपकी जिंदगी का आखिरी दिन हो, फिर देखना आपका सारा आलस, सारा घमंड, सारा डर अपने आप खत्म हो जाएगा और आप बस वो डिसीजन लोगे जिससे आने वाली दुनिया आपको हमेशा याद रखेगी। आपका समय सीमित है, इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत करो। बेकार की सोच में मत फंसो। अपनी जिंदगी को दूसरों के अनुसार मत चलाओ, अपने अंतर्मन की आवाज सुनो। आपकी हैसियत क्या होनी चाहिए ये आप तय करेंगे, कोई दूसरा नहीं। मैं बहुत जल्द मर जाऊंगा, अगर आप इस बात को हमेशा याद रखते हैं तो आप अपनी जिंदगी में बड़े से बड़ा डिसीजन बड़ी आसानी से ले सकते हैं। कब्रिस्तान में सबसे अमीर आदमी होना मेरे लिए मायने नहीं रखता। रात में सोते जाते वक्त कहना आज हमने कुछ शानदार किया है, ये मेरे लिए मायने रखता है। महान काम करने का केवल एक ही तरीका है, वो करो जिसे तुम करना पसंद करते हो। अगर तुम्हें अभी तक वो नहीं मिला है तो खोजते रहो, समझौता मत करो। कभी कभी जिंदगी आपके सर पर ईंट से वार करेगी, अपना विश्वास मत खोइए। बीते हुए दिन के बारे में चिंता करने की बजाय चलो कल को खोजने के लिए चलते हैं। स्मार्ट लोग जिनको हम यह बताएं कि उनको क्या करना है, ऐसे लोगों को किराए पर रखने का कोई मतलब नहीं है। हम उन लोगों को किराए पर रखते हैं जो हमें बताएं कि क्या करना है। दूसरों के विचारों के शोर में अपनी अंतरात्मा की आवाज को ना दबने दें। सफलता की खुशी मनाना अच्छा है, उससे जरूरी है अपनी असफलताओं से सीख लेना। जिद ही वह चीज है जिससे मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं, जो एक सफल उद्यमी को असफल उद्यमी से अलग करती है। जो लोग यह सोचकर पागल होते हैं कि वो दुनिया को बदल सकते हैं, तो वे लोग वो होते हैं जो यह कर सकते हैं। आप कस्टमर से ये नहीं पूछ सकते कि वो क्या चाहते हैं और फिर उन्हें वो बना के दें। आप जब तक उसे बनाएंगे तब तक वो कुछ नया चाहने लगेंगे। शायद मौत ही जिंदगी का सबसे बड़ा आविष्कार है। ये मेरे मंत्रों में से एक है कि ध्यान केंद्रित करो और सरल रहो। सरल भी जटिल से ज्यादा दृढ़ हो सकता है। यदि आप वास्तव में बहुत बारीकी से देखोगे तो आप पाओगे कि रातों रात मिलने वाली अधिकतम सफलताओं में बहुत लंबा वक्त लगा है। महान लोग और बढ़िया प्रोडक्ट्स कभी नहीं मरते। आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ पीछे छोड़ना होगा। आप बिंदुओं को आगे देखते हुए नहीं मिला सकते, उन्हें केवल पीछे देखकर ही मिलाया जा सकता है। इसलिए आपको यह विश्वास करना पड़ेगा कि किसी ना किसी तरह आपके जीवन बिंदु भी भविष्य में जरूर मिलेंगे। बेवकूफ बनकर खुश रहिए और इसकी पूरी उम्मीद है कि आप अंत में सफलता प्राप्त करेंगे। जब आप समुद्री डाकू बन सकते हैं तो फिर नौसेना में जाने की क्या जरूरत है। नई खोज एक लीडर और एक अनुयायी के बीच अंतर करती है। मेरा काम लोगों के साथ नरमी बरतना नहीं है, मेरा काम है उन्हें और अच्छा बनाना। मैं सुकरात के साथ एक दोपहर बिताने के लिए अपनी सारी तकनीक दे दूंगा।
हमारा उद्देश्य यह है कि हम इस दुनिया में सबसे अच्छे डिवाइस बनाएं, ना कि सबसे बड़े। संसार आपको तभी पहचान सकेगा जब आप संसार को अपनी क्षमताओं से परिचित कराएंगे। आज हम नए हैं, लेकिन कुछ दिन बीत जाने पर हम भी पुराने हो जाएंगे, और ये पूर्ण सत्य है। स्मार्ट लोगों की एक बात है, वे बहरे लोगों को पागल लगते हैं। यह निश्चय करना कि आपको क्या नहीं करना है उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि यह निश्चय करना कि आपको क्या करना है। महत्वपूर्ण होने के लिए चीजों का दुनिया बदलना जरूरी नहीं है। ज्ञान के लिए हमेशा भूखे रहो और मूर्ख बने रहो। बिजनेस में महान चीजें कभी किसी एक आदमी द्वारा नहीं की जाती, वे लोगों की एक टीम के द्वारा की जाती हैं। किसी चीज को गलत करने का मतलब यह नहीं है कि आप असफल हो गए हैं। आओ आने वाले कल में कुछ नया करते हैं, बगैर इसकी चिंता करें कि कल क्या हुआ था। जब आपको चमत्कार की आवश्यकता हो तो खुद चमत्कार बनो। इस बात को याद करना कि एक दिन मरना है, किसी चीज के खोने के डर को दूर करने का यह सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप उड़ना चाहते हैं तो आप उड़ सकते हैं, बस अपने आप पर अधिक से अधिक भरोसा रखिए। डिजाइन सिर्फ यह नहीं है कि चीज कैसी दिखती या महसूस होती है, डिजाइन यह है कि चीज काम कैसे करती है। क्रिएटिविटी बस चीजों को जोड़ना है। मैं नकल कर उत्पाद बनाने की बजाय अपने दृष्टिकोण के उत्पाद पर दांव लगाना ज्यादा पसंद करूंगा। गुणवत्ता प्रचुरता से अधिक महत्वपूर्ण है। एक छक्का दो दो रन बनाने से कहीं बेहतर है। यदि मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया पर असफल हो गया, तब भी अच्छा है, मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तो किया। आपका कार्य जिंदगी के एक बड़े भाग को संतुष्ट करना है, और संतुष्टि प्राप्त करने के लिए वो करें जिसमें आप विश्वास करते हैं। कोई समस्या आने पर पुराने लोग कहते हैं यह क्या है, जबकि नौजवान कहते हैं हम इसके साथ क्या कर सकते हैं। मैं उच्च शिक्षा के मूल्य को खारिज नहीं कर रहा हूं, मैं बस यही कहना चाहता हूं कि सृजनात्मकता अनुभव की कीमत पर आती है। आप पहले से ही निर्वस्त्र हैं और कुछ खोने के लिए है ही नहीं, इसलिए ऐसी कोई भी वजह नहीं है कि आप अपने दिल की नहीं सुने। दिलचस्प विचारों और नई प्रौद्योगिकी को कंपनी में परिवर्तित करना, जो सालों तक नई खोज करती रहे, ये सब करने के लिए बहुत अनुशासन की आवश्यकता होती है। कभी कभी आप इनोवेट करते हैं तो आपसे गलतियां हो जाती हैं। यह सबसे अच्छा है कि आप उन्हें जल्द स्वीकार कर लें और अपने अन्य इनोवेशन को सुधारने में लग जाएं। मैं अपने जीवन को एक पेशा नहीं मानता, मैं कर्म में विश्वास रखता हूं, मैं परिस्थितियों से शिक्षा लेता हूं। यह पेशा या नौकरी नहीं है, यह तो जीवन का सार है। यदि आपकी नजर लाभ पर रहेगी तो आपका ध्यान उत्पाद की गुणवत्ता से हट जाएगा, लेकिन यदि आप एक अच्छा उत्पाद बनाने पर ध्यान लगाओगे तो लाभ अपने आप आपका अनुसरण करेगा। आपको एक आइडिया या एक प्रॉब्लम या कुछ गलत जिसे आप सही करना चाहते हैं को लेकर एक्साइटेड होना होगा। अगर आप शुरुआत से ही इसे लेकर जुनूनी नहीं हैं, तो आप कभी भी उस पर टिके नहीं रह पाएंगे। आपको अपनी सोच को साफ और सरल बनाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। मेहनत से मिली ऐसी सोच परिणाम के लिए बड़ा मूल्य रखती है, क्योंकि इसे पाकर आप पर्वत को भी हिला सकते हैं। मुझे लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हमारे ग्राहकों को वास्तव में हमारे उत्पाद पसंद हैं, लेकिन हमें हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते रहना है। सफलता से मिला भारीपन वापस नया आरंभकर्ता बनकर हल्केपन से बदला जा सकता है। यह मुझे जिंदगी के सबसे रचनात्मक भाग में प्रवेश करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान करता है। किसी विशेष समुदाय को ध्यान में रखकर
उत्पादों का डिजाइन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं जब तक आप उन्हें दिखाए नहीं। लोग सोचते हैं कि फोकस का मतलब है उन चीजों को हाँ कहना जिन पर आपको फोकस करना है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है वहां मौजूद 100 दूसरे आइडियाज को ना कहना। कई कंपनियों ने छटनी करने का फैसला किया है, शायद उनके लिए ये सही होगा, लेकिन हमने अलग रास्ता चुना है। हमारा विश्वास है कि अगर हम कस्टमर के सामने अच्छे प्रोडक्ट्स रखते रहेंगे तो वो अपना पर्स खोलते रहेंगे। मैं सोचता हूं कि यदि आप कुछ कर रहे हैं और वो अच्छा हो जाता है तो आपको इस कार्य पर अधिक विचार करने की बजाय कुछ और आश्चर्यजनक करना चाहिए। अगले कार्य के लिए विचार कीजिए। कोई भी मरना नहीं चाहता है। वे लोग जो स्वर्ग जाने की इच्छा रखते हैं वो भी नहीं मरना चाहते हैं, लेकिन मौत से कभी कोई बच नहीं सका है। मृत्यु जिंदगी का श्रेष्ठ आविष्कार है। ये जीवन को परिवर्तित करने का माध्यम है जो पुराने को मिटाकर नए की राह दिखाता है। आपको कुछ चीजों जैसे दृढ़ निश्चय, भाग्य, जीवन, कर्म आदि पर विश्वास करना ही पड़ेगा। यही दृष्टिकोण मुझे कभी निराश नहीं होने देता और मेरी जिंदगी में सारे बदलाव इसी से आए हैं। आपके द्वारा चयनित कार्य में ऐसा कुछ होना जरूरी है जिसके लिए आप में जुनून सवार हो, अन्यथा आप में उसे लगन से करने की दृढ़ता नहीं रहेगी। हमें जिंदगी में बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, फिर भी हमने किसी कार्य को करने का मन बनाया है तो हमें उस कार्य को महान बनाना चाहिए।